क्या आप जानते हैं कि बंगाल में चक्रवात रेमल ने कैसे कहर बरपाया है? पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान रेमल के पहुंचने के एक दिन बाद सोमवार को भारी तबाही देखने को मिली। रविवार देर रात चक्रवात रेमल ने बंगाल में भयानक एंट्री की। तेज बारिश और 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ इसका नतीजा उखड़े हुए पेड़, गिरे हुए बिजली के खंभे और विनाश का एक ऐसा मंजर जिसने हजारों लोगों को बिना बिजली के छोड़ दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बताया कि ये तूफान बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के तटीय क्षेत्रों और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के निकटवर्ती सागर द्वीप समूह को पार कर गया है। कोलकाता में क्षेत्रीय मौसम कार्यालय ने कहा कि भारत में लैंडफॉल की प्रक्रिया रविवार रात करीबन 9 बजे शुरू हुई और लगभग 5 घंटे तक जारी रही। इस दौरान कोलकाता के एक प्रमुख महानगर में कंक्रीट के टुकड़े गिरने से एक व्यक्ति की दुखद मौत हो गई। दोनों देशों के तटीय इलाकों में फूस की झोपड़ियां और मिट्टी के घरों में भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें, ये केवल बंगाल तक सीमित नहीं रह गया है। तेज हवाओं और बारिश की आहट उत्तरी पूर्वी राज्यों से लेकर बिहार तक पहुंचने की संभावना है। इसका थोड़ा बहुत असर बिहार के पूर्वी भागों में देखा जाएगा, जिसके फलस्वरूप पूर्वी भाग में गरज एवं चमक के साथ हल्की से मध्यम स्तर का वर्षा का पूर्वानुमान है एवं हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का पूर्वानुमान है। वहीं बात करें यूपी की, मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि रेमल का यूपी में बारिश जैसा कोई असर नहीं दिखाई देगा। रेमल तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और फिर नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा। इस तूफान का उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड रीजन में, वहाँ अभी भी हल्की फुल्की पश्चिमी हवाओं का आगमन है, जिसकी वजह से उधर तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी मिल रही है। वारने की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में दो दिन में कोई भी अभी ताप लहर की कोई भी चेतावनी नहीं है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताप लहर की चेतावनी है, जो स्पेशली जो बुंदेलखंड रीजन है, वहाँ आने वाले दो तीन दिन में दो चार डिस्ट्रिक्ट में ताप लहर की चेतावनी है। वहीं मध्य प्रदेश में रेमल तूफान के असर को लेकर भोपाल मौसम वैज्ञानिक प्रकाश दवे ने बताया कि MP में भी तूफान का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। तथा साउथ ईस्ट राजस्थान पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, पर इनका कुछ मिला जो असर के से कहीं कहीं जो आंशिक बादल आपको दिख रहे हैं और इसके साथ ही जो डिप्रेशन यहाँ पे। लोकल 18 की रिपोर्ट।